मैं जोगाचारी या खोकन बाबा आज एक टॉपिक लेके बात करेंगे, कोरोना वायरस। ये हमारा भारत में नहीं, सारा दुनिया में हाहाकार लग गया, जैसा थर्ड वर्ल्ड वॉर लग गया ऐसा लग गया। इसके बारे में हमारा सारा दुनिया का आदमी का सजाग होना पड़ेगा। तो आइए आज हम चार प्राणायाम आप सभी को बताएंगे और वो इजी क्रिया बताएंगे, क्योंकि ये बीमार कोई एज लिमिट नहीं है। 5 साल से लेकर 100 साल का ऊपर का सबका ये बीमार अटैक कर सकते हैं। जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कम है या रेजिस्टेंस पावर कम है बॉडी में, उसका ज़्यादा अटैक करते हैं। आप लोग अखबार में न्यूज में जरूर सुना है 60 ईयर्स ऊपर का आदमी ये बीमार ज़्यादा पकड़ रहा है, और 10 साल का नीचे जो बच्चा है उसको पकड़ रहा है। किस लिए? इसका इम्यूनिटी सिस्टम कम है या बॉडी का रेजिस्टेंस पावर कम है। तो हम ऐसा क्रिया बताएंगे जो बॉडी का रेजिस्टेंस पावर बढ़ा दे। तो आइए मैं पहले क्रिया शुरू करूं। 4 प्राणायाम हम दिखाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। ये केवल हमारा हिंदुस्तान के लिए नहीं, सारा दुनिया के सभी मनुष्यों के लिए हम ये क्रिया बता रहा है। तो पहले जो क्रिया हम करूंगा उस क्रिया का नाम है उद्घात क्रिया। तो मैं शुरू करूं क्रिया, आप लोग ध्यान से देखिए और ये वीडियो देखने का साथ साथ आप लोग आरंभ कर दीजिए। पहले मैं उद्घात क्रिया करूं, देखिए अपना जो मुंह है ये तो डाउन कर दे, और इस क्रिया का नाम है उद्घात क्रिया। हम शुरू करें। ऐसा करके 50 या 100 टाइम्स करने से ठीक रहेगा। अगर जिसने नहीं कर सके उसके लिए 50-60 जितना आप कर सके, इसका कहते हैं उद्घात क्रिया। उद्घात क्रिया करने के बाद में उद्घात क्रिया हम कैसे किया है, मैं सांस लिया है और धक्का मार मार के सांस को निकाल रहा है। देखिए और एक बार दिखा रहा है। प्रेशर देके सांस निकाल रहा है, सांस ले रहा है और प्रेशर देके सांस निकाल रहा है। यह है उद्घात क्रिया, ये पहला नंबर क्रिया। अब दूसरा क्रिया जो करेंगे उसका नाम कहते हैं बात तुम कपाल भाती। मैं ये दोनों अंगुली जो है मैं बाया नाक बंद कर दिया। देखिए बाया नाक बंद कर दिया। दाहिना नाक से हम जितना सांस ले सकते हैं, जितना लंबा सांस ले सकते हैं, मैं सांस लूंगा। देखिए स्टार्ट की, बूढ़ा अंगुली से बंद कर दिया, बाया नाक से निकाल दिया, फिर बाया नाक से लिया, बंद कर दिया, दाहिना नाक से निकाल दिया, कैसे किया, मैं बाया नाक बंद कर दिया। बाया नाक बंद करके दाहिना नाक से लंबे सांस जितना ले सकते, जितना कैपेसिटी है हम सांस ले लिया। लेने के बाद मैं क्या किया, ये बूढ़ा अंगुली से बंद कर दिया। बंद करने के साथ साथ मैं बाया नाक से निकाल दिया, और निकालने के साथ साथ मैं क्या किया,
बायानक से फिर वापस सांस लिया, लेने के बाद में बायानक बंद कर दिया, डायनानक से निकाल दिया, डायनानक से फिर सांस लेंगे, लेने का बंद कर देंगे, बायानक से निकाल देंगे। ऐसे करके कितना टाइम 100 करने से बहुत अच्छा रहेगा। अगर जो नहीं सीखते उसके लिए 40 या 50 या 60 आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। 5 साल उम्र से लेकर के 100 साल का ऊपर में भी आदमी कर सकेंगे। ये दो क्रिया पहले बता दिया, उसके बाद में तीसरा आइटम, ये आइटम छोटे बच्चा जो है वो 10 साल उम्र के नीचे जो बच्चा है उसके लिए थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है। वो हम सांस लेके हम जो अंदर में रखेंगे उस अंदर में रखने का टाइम हमारा मिनिमम 40 सेकेंड या 50 सेकेंड या 1 मिनट होना चाहिए। अगर छोटे बच्चे के लिए 10 साल उम्र के नीचे के बच्चे के लिए ये 10 से 15 सेकेंड अटक रहेगा, अर्थात कुंभक करके रखेगा। उसको कहते हैं मूर्छा प्राणायाम, मूर्छा। तो आइए मूर्छा प्राणायाम कैसे करते हैं आप देख लीजिए, आप लोग सही ढंग से देखिए, एक बार नहीं तो 10 बार वीडियो चला के देखिए, देख करके क्रिया की। मैं मूर्छा प्राणायाम शुरू करते हैं, देखिए दोनों नाक से आप सांस लेंगे, इतना सांस लेंगे जो कोई सांस और नहीं है बाहर में, सब सांस हम अंदर में ले लिया और लेने का कैपेसिटी नहीं है, तब क्या करेंगे उसके बाद में हम जलंधर बंद मुद्रा करेंगे। जलंधर बंद मुद्रा तब सांस लेकर मैं प्लग कर देंगे और तब कुंभक करेंगे, अंदर में मेरा सांस है, जितना सांस लिया है वो अंदर में है हमारा। अब सांस छोड़ने के टाइम में क्या करेंगे, हम सांस छोड़ने के टाइम में धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाएंगे। तो आप मैं क्रिया शुरू करूं, देखिए पहले मैं सांस ले रहा हूं, जितना ले सकते हैं मैं ले लेंगे। अर्थात मैंने क्या किया, हम अपना मोड बॉडी सीधा रख करके हम दोनों नाक से पूरे सांस जितना हम ले सकते हैं पूरे सांस को लेकर हम अपना जो चुवाल है इसको चेस्ट में लगा दिया, सांस लेकर अंदर में सांस है चेस्ट में लगा दिया, बॉडी सीधा और जितना टाइम हम रख सकते हैं हम सांस अंदर में रखेंगे, और जब छोड़ने का टाइम है तो हमारा मुंह वो सांस धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते वापस आ जाएंगे। और एक बार दिखा रहा है, हाँ कितना टाइम करना है, 3 या 4 दफे। अगर सीखे तो 5 दफे भी कर सकते हैं। तो और एक बार दिखा रहा है, देखिए इसको कहते हैं मूर्छा प्राणायाम। हाँ मैं सांस ले रहा हूं, देखिए
जरूर आप लोग समझ गए, ये तीन दफे तो करना चाहिए ही, अगर चार या पांच कर सके तो आओ बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। इसका कहते हैं मुच्छा प्राणायाम। लेकिन 10 साल उम्र तक बच्चे जो है उसके लिए इतना टाइम रखने का जरूरत नहीं है, वो सिर्फ 10 या 15 सेकंड रखेगी। और 10-12 साल का उम्र का जो है वो 40 सेकंड, 50 सेकंड या 1 मिनट या 1.5 मिनट जितना रख सकते हैं उतना ही फायदा मिलेगा। इसको कहते हैं मुच्छा प्राणायाम। तो हम 1, 2, 3 नंबर आइटम दिखा दिया, अभी 4 नंबर आइटम, उसको कहते हैं सूर्योभेद प्राणायाम। सूर्योभेद प्राणायाम ये भी 10 साल उम्र के नीचे जो बच्चा है उसको 10 से 15 सेकेंड श्वास रखेंगे, और 10 साल 12 साल को ऊपर वो 1 मिनट या 40 सेकेंड या 50 सेकेंड कैपेसिटी के हिसाब से जितना रख सकते हैं। ये भी आप लोग को दिखा रहा है, पहले ये दोनों अंगुली, इसको कहते हैं अनामिका, इसको कहते हैं कनिष्ठा, ये दोनों अंगुली से बाया नाखम बंद कर दिया। देखिए आप क्या करो, दाहिना नाक से मैं सांस लेंगे, लेने का बाद में ये बुरा अंगुली से इसको बंद कर देंगे। तो पहले देखिए सांस ले रहा हूं, इसको कहते हैं सूर्योभेद प्राणायाम। हाँ मैं शुरू करते हैं, एक बात ख्याल रखिएगा, हम जो सांस ले रहे हैं वो जितना टाइम हम लेंगे और कुंभों का हम जितना टाइम 1 मिनट या 40 सेकेंड या 1.5 मिनट हम रख सके, रखने के बाद में जब छोड़ेंगे जितना टाइम हम लिया है उससे 1, 2, 3 सेकेंड ज्यादा टाइम छोड़ना है। लेने का टाइम जो है उससे छोड़ने का टाइम ऐसा नहीं हम सांस लिया फट कर छोड़ दिया, ऐसा नहीं, हम सांस लिया अंदर में जब रखेंगे बंद करके जब छोड़ेंगे उससे थोड़ा ज्यादा टाइम छोड़ना है। ये कई दफे करना है, 5 दफे, ये 5 दफे। और एक बार हम सूर्योभेद प्राणायाम आप लोग को दिखा रहा है, ये सही तरीके से देखिए, बायां नाक बंद पहले, दाहिना नाक से लंबे सांस जितना ले सकते हैं हम लेंगे, लेने के बाद में हम बुरा अंगुली से बंद कर देंगे अर्थात कुंभक करेंगे। सांस अंदर में रखने को कहते कुंभक, और सांस लेने को कहते पूरक, और सांस छोड़ने के कहते रेचो। तो हम कुंभक करेंगे, अभी पूरक कर रहा है, पूरक सांस ले रहा है, देखिए कहते हैं सूर्योभेद प्राणायाम।
हम चारों आइटम दिखाया है, पहले उद्गत क्रिया और एक बार दिखा रहा है, देखिए इसको कहते हैं उद्गत क्रिया। 50 टाइम्स या 100 टाइप करने से ठीक रहेगा, अगर ना सके तो 50 टाइम्स कीजिए। दो नंबर आइटम है बात तुम कपाल भाती, बाया नाक बंद कर दिया, ये हो गया दो नंबर आइटम। आप मूर्छा प्राणायाम थोड़ा बता रहा है, हम सांस लेंगे, लॉक कर देंगे, कुछ टाइम रखने के बाद में सांस छोटे छोटे वापस आ जाएंगे, ये मूर्छा हो गया। और आखिर में सूर्य भेद प्राणायाम, बाया नाक बंद कर दिया, दाहिना नाक से लंबे सांस लिया, बंद कर दिया, जितना टाइम आप रख सकते हैं रखेंगे, उसके बाद बाया नाक से छोड़ देंगे। ये चारों क्रिया करने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा या बॉडी का रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगा। ये केवल कोरोना वायरस के लिए नहीं, कोई भी वायरस आपको फटक से अटक नहीं कर पाएगा। हमारा देश में प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू बुलाया था, लेकिन सारा भारत हिंदुस्तान से पूरा समर्थन किया और शाम को 5 बजे थाली बजा के घुंटी बजा के हमारा जो हॉस्पिटल डॉक्टर नर्स सबको उत्साह जगाया, उसके लिए प्रधानमंत्री के हम नमस्कार करते हैं, पूरे देशवासी को हम नमस्कार करते हैं। इतना अच्छा रेस्पॉन्स किया हमारा सरकार ने, जैसे हमको बुला है नियम पालन करने के लिए, जैसा हाथ सफाई रखना है, ज़्यादा मनुष्य एक साथ जोट नहीं होना चाहिए, बाजार में जाना नहीं चाहिए, जो इमरजेंसी सामान है वो लेने के लिए जाइए, और आदमी से थोड़ा डिस्टेंस रखिए। और ये जो क्रिया हम आप सबको बताया, ये क्रिया आप कोई क्लब में या योग केंद्रों में या कोई स्थानों में एक साथ गोट होके करने का नहीं जरूरत नहीं है, ये अपना अपना घर में आप करिए। क्योंकि अगर एक साथ में सभी आदमी करके एक आदमी का अगर ये वायरस अटैक कर लिया, वो वायरस चारों तरफ स्प्रेड करेगा, इसीलिए अपना अपना घर में कीजिए और सतर्क रहिए। यही मेरा प्रार्थना है आप सबसे। ये मेरा हिंदुस्तान के लिए हम बताए नहीं, सारा दुनिया के सभी मनुष्य हमारा भैया है, रिश्तेदार है, ये सोच के सबके लिए हम बताया है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, जिसका 5 साल 6 साल उम्र है उसके लिए हम और एक क्रिया बता रहा है, वो क्रिया थोड़ा देख लीजिए। 5 साल 6 साल के बच्चे के लिए और 5-6 साल का ऊपर में जो सभी चारों क्रिया बताए वो आप कर लीजिए। 5 साल 6 साल के क्रिया आप देख लीजिए, इसको कहते हैं सहज प्राणायाम। ये दिन में 3 या 4 बार बच्चों को कराइए। हाँ, सीधे सांस लेंगे जितना ले सकते हैं, और सांस हम रुकेंगे नहीं, कुंभक नहीं करेंगे, हम सांस छोड़ देंगे। या 15 दफे करके दिन में 3 या 4 बार तब। और जो 10-12 साल के उम्र के लिए जो 4 क्रिया बताया हम, ये चारों क्रिया आप दिन में सुबह 1 बार, दोपहर में 1 बार, शाम को 1 बार, रात को खाना खाने का 10-15 मिनट पहले 1 बार, दिन में 3 या 4 दफे कीजिए। तब जितना करेगा आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, रेजिस्टेंस पावर बनेगा, और केवल कोरोना नहीं कोई भी वायरस आपको फटक से अटक कर नहीं पाएगा। धन्यवाद सबके लिए, लंबा उम्र के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और ये
जो इतना बड़ा हमारा जो कोरोना वायरस आ गया, ये कोरोना वायरस से सबका मुक्ति मिले, यही ईश्वर से प्रार्थना करके आज के लिए यही समाप्त करते हैं।